मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के, के तो आज भी करते हैं हमारा लेक्चर टू ऑफ एंड इज ऑन टिश्यू सो आई होप आप बच्चों ने इपिथिलियल टिश्यू तो पक्का रट लिया होगा अच्छे से याद कर लिया होगा अब तक तो बेटा अब टाइम है सेकंड

Origin of this tissue. It is mesodermal, mesodermal in origin. Mesodermal in origin. Again, me baat karu tissues may say subse zada amount may tissue present hai. So that is your connective tissue. So it is the most abundant. It is the most abundant. और जो चीज बेटा ज्यादा होती है वो आपको अलग अलग आपके बॉडी के पार्ट्स में भी मिलेगी सो इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आपको ऑलमोस्ट हर ऑर्गन में मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि बेटा इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हर एक ऑर्गन हर एक पार्ट को चाहिए वॉट इज दैट द सपोर्ट सो ये टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्या करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है दूसरा काम ये टिश्यू क्या करता है ये ऑर्गन्स को पैक करता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन इट ऑल्सो हेल्प्स इन पैकिंग द ऑर्गन पैकिंग द दर्गन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट दर्गन ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है इट प्रोटेक्ट द दर्गन

दूसरी बात, जैसे आपका टिश्यू ए था, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई नहीं थी दिस वन इज हाईली वैस्कुलर इसमें ब्लड सप्लाई होती है अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में बच्चे मैंने बताया था सिंस एपिथेलियल टिश्यू वैस्कुलर नहीं है तो वो ब्लड से न्यूट्रिएंट्स कनेक्टिव टिश्यू में जो वेसल्स आती है वहां से डिफ्यूज होकर लेता है तो यहां पर इट्स हाइली वैस्कुलर बट विद एन एक्सेप्शन दैट इज कार्टिलेज कार्टिलेज में जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत स्कैंटी होती है बहुत कम होती है नेग्लेजिबल होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है एबसेंट के करीब होती है राइट सो इसलिए से ऑल्दो इट्स हाईली वैस्कुलर उसमें बहुत ब्लड सप्लाई है बट यहाँ पर कार्टिलेज ऐसा है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती या फिर बहुत कम होती है सो फर्स्ट पॉइंट इसके ओरिजिन याद रखना क्या है ओरिजिन मीजोडमल बहुत ज्यादा होता है मोस्ट अबंडेंट है और अलग अलग जगह पर मिलेगा फंक्शन क्या है सपोर्ट करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पैकिंग करता है फाइन और इसमें ब्लड सप्लाई होता है एंड इट ऑल अ फ्री सरफेस सो आगे आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं बेटा आपके कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन मतलब इसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं सो कनेक्टिव टिश्यू में ना अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। लेट्स सी क्या क्या कैटेगरीज है बच्चा लोग तो यहाँ पर वी हैव वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज बच्चे सो so, पहली है आपके पास लूज पहली क्या है लूज लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू देन यू हैव डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड द लास्ट वन विच इज द स्पेषलाइज्ड वन द स्पेश कनेक्टिव टिश्यू स्पेश कनेक्टिव टिश्यू और राइट अगर मैं बात करू अगर मैं बात करूं लूज कनेक्टिव टिश्यू की तो हाउ लूज इज डिफरेंट फ्रॉम दियर अनदर इनके नाम से पता लग रहा है इसमें फाइबर्स ना बहुत लूजली अरेंज होंगी ऐसे बिखरी हुई होती है इधर उधर डेंस में फाइबर ज़्यादा होंगी तो बहुत ज़्यादा यू नो डेंसली पैक्ड होंगी कहते हैं ना डेंस फॉरेस्ट बहुत भरा हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह होते हैं तो वैसे ही इसमें चीज़ें बिखरी हुई हैं इसमें बहुत डेंस है कॉम्पैक्ट है और जो स्पेशलाइज्ड है वो कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो डेंस और लूज इनके हम पहले कैटेगरीज देखते हैं लूज में आपके पास क्या क्या आता है यू हैव एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू ठीक है अगर डेंस की बात करें बेटा डेंस में आपके पास एक है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है इरेग्युलर राइट एंड इन द स्पेशलाइज्ड वन यू हैव टू कैटेगरीज फॉर दर एक कैटेगरी है दी स्केलेटल, दी स्केलेटल जिसे हम सपोर्टिव भी कहते हैं क्या कहते हैं सपोर्टिव और एंडोस्केलेटन भी कहते हैं और एक है बच्चे आपके पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू So in the or or थोड़ा गैस तो हो गया होगा स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम में बेटा आपके क्या क्या आता है एक आता है आपके पास कार्टिलेज बिकॉज ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक दैट यू ऑलरेडी है गैस कर लिया है दैट इज योर बोन वेयर हैज इन द फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू आपको भी पता है फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा क्या है तुम्हारे बॉडी फ्लुड चैप्टर है ना पूरा बॉडी फ्लूड इन सर्कुलेशन क्या है इसमें एक है आपका ब्लड और दूसरा है बच्चे आपका लिम्फ तो ये चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है दैट इज द क्लासिफिकेशन और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यू हैव गाइस यू हैव लूज कनेक्टिव टिश्यू यू हैव डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड देन यू हैव द स्पेश कनेक्टिव टिश्यू ओके आगे देखते हैं आगे हमने क्या पढ़ना है इसमें में आता है एक regular और दूसरा फिर आपके पास स्पेशलाइज में आता है स्केलेटल जिसको सपोर्टिव भी कहते हैं एंडोस्केलेटन भी कहते हैं एंड देन योर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल में फॉर एंड बोन Skeleton में आपके पास फर्दर बेटा क्या कैटेगरीज हैं? वी हैव एंड बोन और इसमें क्या है ब्लड और लिम्फ इसको ना अच्छे से याद कर लेना पता क्यों? क्योंकि अगर ये ब्रीफ याद है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके वैसे हो जाएंगे क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चन बहुत आते हैं तो आप अपना स्टार मार्क लगा लेना यहाँ पे देखो कई बार ना सीधा क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन सा लूज कनेक्टिव टिश्यू है डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सो so, उसमें घबराना नहीं है अगर आपको ये याद है जो मैम ने आपको पढ़ाया है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं तो ये थी बेटा आपकी क्लासिफिकेशन सो so, अब एक बेसिक कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है अब हम वो जानेंगे ठीक है तो यहाँ पे बेटा क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसमें सबसे पहले जो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें होता है एक ऐसी चीज विच इज द बेस जो इसका बेस होता है क्या होता है बेस होता है जिसमें चीजें घुली होंगी और वो बेस क्या है क्योंकि देखो अगर आपको एक प्लेट में खाना रखना है तो सबसे पहले एक प्लेट होनी चाहिए फाइन तो वो प्लेट जैसा क्या है वो है इसका ग्राउंड सब्सटेंस जिसे मैट्रिक्स भी कह देते हैं क्या कह देते हैं मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स ये जो ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिस होती है बेटा ये बहुत जगह पर जेल लाइक -like होती है जेल लाइक दैट मीन्स जेल कैसी होती है बेटा गिल गिली सी होती है ना सॉलिड होती है ना लिक्विड होती है तो इससे हम क्या कह देते हैं कि सम हैव सेमी फ्लुड मैट्रिक्स राइट लाइक योर एग्जाम्पल में अगर हम लिखें एरियोलर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ठीक है बट कईयों में मैट्रिक्स फ्लूड होती है जैसे आपका ब्लड तो ब्लड में पूरी मैट्रिक्स क्या है फ्लूड फॉर्म में तो यहां पर फ्लूड भी होती है फ्लूड राइट right? मतलब एकदम पानी जैसी तो यहां पर बेटा क्या आएगा आपका यहां पर आएगा आपका ब्लड राइट right? तो मैट्रिक्स पानी जैसी भी हो सकती है जेल लाइक -like भी हो सकती है इफ इट इज जेल लाइक मेट्रिक इ जेल लाइक तो उसमें कुछ जेल ऐसे कॉम्पोनेट होंगे ना जो उसको जेल जैसे कंसिस्टेंसी दे रहे हैं आपने घर पे भिंडी काटी है आपने एलोवेरा लगाया भिंडी जब भी आप काटते हो तो हाथों में गिलगिली सी लग जाती है लगती है एलोवेरा के अंदर जेल होती है सो so, जो चीजें उसमें होती है वही हमारे अंदर भी है एंड दैट इज योर म्यूको पोलीसेकर म्यूकोपोलीसेकराइड एक तरह के शुगर होते हैं मॉडिफाइड शुगर ये की एक एग्जाम्पल जो आजकल तुम बहुत सुनते हो हाइल्यूरोनिक एसिड सुनते हो ना तो हाइल्यूरोनिक एसिड के साथ और भी शुगर साथ में लगी होती हैं सो दैट इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ योर जेल लाइक बेस और द सब्सटेंस तभी आजकल देखें ना सिरम बड़ा हो जाती है, स्किन के नीचे क्या है? और अगर उसमें हाइलिक एसिड है तो वो आराम से पानी को ज्यादा ऑब्जॉर्ब करता है ये इसकी प्रॉपर्टी है दैट हाइल्यूरोनिक एसिड पानी को अपनी तरफ खींचता है जितना पानी होगा उतनी स्किन ग्लो भी करेगी राइट चलो तो अगर ये जेल लाइक है द जेल लाइक

तो ये इसका बेसिक काम क्या होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये क्या प्रोवाइड करती है बेटा सपोर्ट प्रोवाइड करती है दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो क्या है बेटा कॉम्पोनेंट्स में कॉम्पोनेंट्स में है वो आपके बहुत सारे फाइबर्स क्या है बहुत सारे फाइबर्स और तीसरी चीज है बेटा आपके बहुत टाइप के सेल्स क्या है अलग अलग तरीके के सेल्स ओके okay? अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं फाइबर्स की हमारे पास यहां पे तीन तरह की फाइबर्स हैं तीन तरह की फाइबर्स हैं कोलेजन फाइबर्स इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स ठीक है अगर मैं बात करूं सेल्स की अगर मैं बात करूं बच्चा लोग सेल्स की तो सेल और भी ज्यादा टाइप के हैं वाई सेल्स आर परफॉर्मिंग वेरियस डिफरेंट रोल इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो चलो सेल्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं लेट्स टॉक अबाउट सेल्स सो कॉम्पोनेंट्स में हम बात करेंगे सेल्स की बच्चा लोग राइट right? तो सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में सबसे पहला जो सेल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेल क्या है इसका नाम इसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट क्या नाम है बेटा इसका फाइब्रोब्लास्ट इसके नाम से क्या गैस किया अभी तक आपने क्या गैस किया होगा फाइब्रो फाइब्रोब्लास्ट क्या सिक्रीट कर सकता है फाइबर्स राइट सो लंबे लंबे सेल्स होते हैं इनकी आर्म्स भी होती हैं ऐसे राइट right? तो so, ये सेल सिक्रीट करते हैं ये सेल सिक्रीट करते हैं आपके फाइबर्स सो हाउ डू दे लुक लाइक लेट सी आपने डायग्राम देखा होगा ना एनसीआरटी का जिसमें जिसमें एरियोल कनेक्टिव टिश्यू दिखाया तो उसमें ऐसा आपने एक सेल देखा होगा और उस सेल में से आपको यहां पे ऐसे फाइबर्स भी दिख रहे होंगे यस, yes, फाइबर्स दिख रहे होंगे सो द मेजर फंक्शन ऑफ दिस फाइब्रोब्लास्ट सेल इज दैट दे दीट फाइबर्स सो दे फाइबर्स। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड वेयर आर दे प्रेजेंट आप बोलोगे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू में एंड दे सिक्रीट फाइबर्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेल देखते हैं अगला सेल Okay, so next cell on your screen is your mast cell. Consor cell habitat? Mast cell. मास्ट सेल की एक बड़ी ना इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ मास्ट सेल इज लाइक अ सेल जो आपके ब्लड में होता है डब्ल्यू बी सी या बेजोफिल से बिल्कुल बेजोफिल की तरह होता है और ये सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इन्फ्लमेशन में किसकी तरह किसकी तरह काम करता है बेजोफिल की तरह और इसका काम होता है इन्फ्लमेशन में मास्ट सेल आपका बेटा जो मास्ट सेल है राइट right? ये कह लो कि एक ना जब भी आपको मान लो जैसे मच्छर काटता है मच्छर काटते तो वो लाल लाल हो जाता है वो लाल लाल एक इन्फ्लेमेशन है तो उस लाल लाल जब वो हो रहा है उस टाइम पर ये मास सेल उस टिश्यू में बड़ा ही एक रोल परफॉर्म कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अभी देखते हैं तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई दे एक्ट एज बेजोफिल वॉट इज अफिल इट्स अ डब्ल्यू बी सी ब्लड सेल ऑफ ब्लड ठीक है ये बेटा तीन चीजें सिक्रीट करता है इट सिक्रीट थ्री थिंग्स तीन चीजें सिक्रीट करता है एक है हिस्टामिन क्या है एक है बच्चे आपका हिस्टामिन एक है बेटा आपका हिपैरिन और एक है बेटा आपका सेरोटोनिन, राइट अब आपने देखा होगा जब भी आपको इन्फ्लेमेशन होती है तो लाल लाल हो जाता है और आपकी बॉडी में लाल लाल किसकी वजह से होता है ब्लड की वजह से तो जब भी इन्फ्लेमेशन होगी ये मास सेल ये तीन चीजें सिक्रीट करेगा मतलब तीन चीजें बनाएगा हिस्टामिन इज अ वेजो इट्स अ वेजो डायटर इज द एंटी क्वागुलेंट and serotonin is a vasoconstrictor vaso word मैंने उस दिन भी बताया था क्या होता है what is this vaso word vaso means blood vessel तो ये ब्लड वेसल को डायलेट करेगा मतलब इसका ल्यूमन बड़ा बड़ा कर देगा, फैला देगा कॉन्स्ट्रिक्टर ब्लड वेसल के ल्यूमन को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा मतलब एकदम पतला कर देगा ल्यूमन का क्या होता है बेटा खाली जगह जैसे पाइप होती है ना पानी वाली वैसी ब्लड वेसल है उसके अंदर जहां पानी ट्रेवल कर है वो उसका ल्यूमन है तो उसको ये बड़ा या कम कर सकता है ठीक है तो आपका जो हिस्टामिन है वो उसे बड़ा कर सकता है और जो सेरोटोनिन है वो है्यूमन को कम कर सकता है नैरो कर सकता है सो हाउ इट इज पॉसिबल लेट सी मान लो ये आपका ब्लड वेसल है नॉर्मल ठीक है ये नॉर्मल ब्लड वेसल है ये इसका ल्यूमन है फाइन ल्यूमन है नॉर्मल का तो अगर हिस्टामिन आया है तो ये इसको क्या कर देगा ल्यूमन को वाइड कर देगा जस्ट लाइक दिस ओके देखो दोनों को कंपेयर करो किसका ये अंदर वाला एरिया बड़ा है इसका बड़ा है तो ये ल्यूमन बड़ा हुआ अगर सेरोटोनिन की बात करें हम सेरोटोनिन की तो वो क्या करेगा इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके बहुत छोटा कर देगा ल्यूमन को ठीक है जस्ट लाइक दिस ये जैसे मान लो ये ल्यूमन आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया ऑल राइट सो दिस इज द ल्यूमन कॉन्स्ट्रिक्टेड चलो इसे थोड़ा कलरिंग वलरिंग कर देते हैं सो so, ये ल्यूमन कॉन्स्ट्रिक्टेड है एंटी क्या होता है जो आपके ब्लड के क्लॉट ना होने दे ना क्लॉट बनने दे सो वॉट इज एंटी क्वागुलेंट एनी थिंग दैट प्रिवेंट्स दैट प्रिवेंट्स द्लॉटिंग ऑफ ब्लड सो ये क्या करता है इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लोटिंग राइट सो वेजो डाइलेटर क्या होता है वेजो डायलेटर क्या करता है ल्यूमन को क्या करता है ये वाइड कर देता है ये ल्यूमन को नेरो कर देता है चलो अगले सेल की बारी अगले सेल की बारी अब हम बात करेंगे बेटा अगले सेल की जिसका नाम है हिस्टियोसाइट क्या है जिस सेल का नाम हिस्टियोसाइट हिस्टियोसाइट वॉट इज हिस्टोज हिस्टोज हिस्टोलॉजी किया था हिस्टोज वर्ड हम टिश्यू के लिए यूज़ करते हैं एंड हिस्टोलॉजी पीछे लगाते हैं तो ये बेटा ऐसा सेल है जो एक मैक्रोफैच की तरह काम करेगा नाउ वॉट इज अ मैक्रोफैच मैक्रोफैच क्या होता है बेटा uh, एक ना सेल होते हैं आपकी बॉडी में जो फेगोसिटिक होते हैं अब ये क्या होते हैं? एक कुछ सेल्स अगर उनको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखा कोई डेड पार्ट दिखा वॉर्न आउट पार्ट दिखा तो वो उसको पकड़ के ऐसे खा जाएंगे और खा के डकार मार जाएंगे तो यही करते हैं मैक्रोफेजेस फाइन सो मैक्रोफेजेस अलग अलग जगह पर मिलेंगे लिवर में भी मिलेंगे स्किन में भी मिलेंगे तो जो स्किन में मिल रहे हैं स्किन के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू में मैक्रोफेजेस का नाम हमने रख दिया हिस्टियोसाइट अगर कोई पूछे द मैक्रोफेजेस ऑफ द टिश्यू वॉट विल यू से द हिस्टियोसाइट सो वॉट आर दे दे आर मैक्रोफेजेस ये क्या करते हैं पेगोसाइटोसिस Now, what is phagocytosis? Engulfing or engulfment of microbes, engulfment of microbes, worn out cells or dead cells.

बड़ा सा फैट का ड्रॉपलेट प्रेजेंट है लाइक like दिस तो एक बड़ा सा फैट का ड्रॉपलेट प्रेजेंट है बड़ा सा फैट का लाइक दिस ओके तो ये जो फैट का ड्रॉपलेट है इसने क्या किया ये खुद तो मोटा ताजा था इस चक्कर में इसके चक्कर में जो न्यूक्लियस था ना उसे बाहर जाना पड़ा इसके चक्कर में जो न्यूक्लियस था उसे यहां साइड में आना पड़ा उसे यहां पे साइड में आना पड़ा फाइन तो होता क्या है जब भी फैट ड्रॉपलेट फैट ड्रॉपलेट अंदर आता है इधर फैट ड्रॉपलेट अंदर आता है एडिपो सेल में तो ये फैट ड्रॉपलेट न्यूक्लियस को साइड पे कर देता है बिकॉज फैट ड्रॉपलेट बहुत बड़ा है तो आपको अभी तक पता चल गया होगा इस सेल का काम क्या है बिकॉज ये एडिपोस टिश्यू में मिलता है तो इसे हम क्या कह देते हैं इसे हम कह देते हैं बेटा एडिपोसाइट क्या बोल देते हैं एडिपोसाइट सो वॉट इज अदर नेम ऑफ द फैट सेल दैट इज दो साइट ओके तो ये जो बेटा आपका एडिपो साइट है ये क्या करता है इट स्टोर फैट इट स्टोर फैट फाइन चलो आगे बढ़ते हैं एक और सेल करते हैं चलो एक और सेल करते हैं दैट इज योर प्लाज्मा सेल एक और सेल करते हैं क्या नाम है इसका प्लाज्मा सेल जैसे आप में डब्ल्यू होते हैं लिम्फोसाइट ब्लड में बेटा एक ना टाइप होता है डब्ल्यू का जिसका नाम है लिम्फोसाइट वो आपके बॉडी में या आपके ब्लड में एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडी सोल्जर्स होते हैं आपको सबको पता है तो एंटीबॉडी कोई माइक्रोब आता है तो उससे पकड़ के किल करते हैं तो इस तरह टिश्यू को भी एक बी सेल की तरह दिया हुआ है और उसका नाम क्या है प्लाज्मा सेल तो प्लाज्मा सेल का दूसरा नाम है काट

यार हमारे यहाँ रेडी कहते हैं उसे क्या बोलते हैं क्या जो वो चलती है यार पीछे टांगा टांगा हाँ तो जो वो टांगा होता है ना टांगे का टायर होता है जैसे तो उसे काट कहते हैं ना तो उस उसकी तरह क्रोमोटिन दिखता है न्यूक्लियस का लाइक like दिस तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कार्ट सेल सो वो डू वी हैव वी हैव फाइब्रोब्लास्ट वी हैव मास सेल वी हैव हिस्टियोसाइट फैट सेल एंड प्लाज्मा सेल तो ये सेल आपके कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं तो so, ये बात हुई बेटा आपके सेल्स की आगे हम बात करेंगे फाइबर्स की सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइबर्स बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इजेंट इट यस तो बेटा आपके पास तीन तरह की फाइबर्स होती हैं कितने तरह की? तीन तरह की की। तीन फाइबर वी हैव इलास्टिक फाइबर वी हैव रेटिकुलर फाइबर अगर बात करें कोलेजन फाइबर की इसमें वो क्या प्रोटीन है किस प्रोटीन की बनी है ये बना है बेटा कोलेजन प्रोटीन का कौन से प्रोटीन का बना हुआ है कोलेजन प्रोटीन का एंड कोलेजन प्रोटीन इज द मोस्ट प्रोटीन इन एनिमल्स। अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है एनिमल्स में मोस्ट इन एनिमल्स कोलेजन मोस्ट अबंडनिमल इन एनिमल्स। ये 2012 में क्वेश्चन आया था राइट right? अब इलास्टिक कौन से प्रोटीन का बना है इलास्टिन प्रोटीन का रेटिकुलर वाली फाइबर किसका बने यह भी कोलेजिन का कलर क्या है कोलेजिन का व्हाइट इलास्टिक का येलो उसका वाइट। अगर मैं बात करूं ये किस तरह प्रेजेंट होती हैं आपको कोलेजन फाइबर हमेशा बंडल की फॉर्म में मिलेंगे ऐसे बहुत सारी राइट right? बंडल की फॉर्म में इसलिए कोलेजन फाइबर की स्ट्रेंथ बहुत होती है तो जहां जहां कोलेजन फाइबर होगी वहां वहां आपको उस पर्टिकुलर चीज की स्ट्रेंथ भी दिखेगी जैसे आप देख सकते हो कहा है ये बोन्स में तभी बोन्स बहुत स्ट्रांग होती है बिकॉज उसमें कोलेजन फाइबर्स हैं इवन द कोलेजन फाइबर्स आर वेरी मच अबंडेंट इन योर स्किन सो मोर द कोलेजन फाइबर मोर हेल्थी योर स्किन इज उतनी ज्यादा फर्म होगी ढीली डाली स्किन नहीं होगी राइट देन इलास्टिक फाइबर हमेशा आपको सिंगल मिलेगी अकेली अकेली मिलेगी और ये भी सिंगल मिलेगी अकेली अकेली मिलेगी ये नॉन इलास्टिक है मतलब इलास्टिसिटी नहीं होती इसकी ये इलास्टिक है इलास्टिक क्या कहते हैं जैसे जब बैंड जितना मर्जी खींच लो तो ये बहुत ज्यादा इसकी इलास्टिसिटी होती है आप इसको आराम से खींच सकते हो वेयर एज वो बहुत डेलीकेट होती है उसको आप अगर खींचोगे तो वो टूट जाएगी ये अनब्रांच होती है ये ब्रांच होती है मतलब अगर ये ऐसे है तो ब्रांचिंग से दिखेगी इसमें और ये वाली भी ब्रांच होती है अगर जो अगर मैं बात करूं रेटिकुलर की रेटिकुलर फाइबर एक्चुअली होता क्या है ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है कोलेजन फाइबर का कोलेजन बहुत मोटी होती है बंडल में जब उसके कभी कभी साइड से चीजें टूट जाती हैं तो वो रेटिकुलर फाइबर बन जाती हैं फाइन देन ये बोन में है ये ब्लड वेसल में है ये लिवर और स्प्लीन में है देखा आपने कि ये इलास्टिक ब्लड वेसल में क्यों दी है क्योंकि वहाँ पे तो ब्लड घूमता है कभी प्रेशर से आता है कभी कम आता है ज़्यादा आता है तो इसीलिए नेचर ने यहाँ पर बहुत सारी इलास्टिक फाइबर्स दी है ऐसा नहीं है कि ब्लड वेसल में कोलेजन फाइबर नहीं है होती है दोनों की लेयर्स डिफरेंट होती है सो कोलेजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड वेसल बट द अबंडेंट जैसे हम बात करें इलास्टिक इलास्टिक फाइबर की बात करें तो ब्लड वेसल में वो होती है फाइन तो ये बेटा ये थी आपकी तीनों टाइप की फाइबर द कोलेजन इलास्टिक एंड रेटिकुलर तो हमने कॉम्पोनेंट्स कर लिए हैं एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो जो जेल लाइक -like है यूजुअली जिसमें म्यूकोपोलीसेक्राइड हैं बहुत सारे उसमें प्रेजेंट आपके बहुत सारे सेल्स जो अलग अलग मैंने आपको बताए और फिर उसमें बड़े बड़े धागे जैसे धागे जैसे फाइबर्स हैं ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा अब हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की सबसे पहले लूज को लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो फाइबर्स हैं जो फाइबर्स हैं इट्स लूजली पैक्ड लूजली पैक्ड और लूज अरेंजमेंट लूज Arrangement of components, बिखरे हुए हैं ठीक है there are spaces present, जैसे मैं बात करूं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की इसका नाम ही एरियोलर रखा है क्यों एरियोलर का मतलब होता है स्मॉल स्पेसेस क्या मतलब होता है बेटा स्मॉल स्पेसेस मतलब इन बिटवीन मिलेगी जगह मिलेगी दिखेगा कुछ Epithelial में कोई space दिख रही थी एक के बाद एक एक थे यार तो तो पर आपको spaces नहीं दिखेंगी तो ये एक जीता जागता नमूना है जीता जागता तो नहीं है इमेज है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है इसमें सब कुछ होता है जो मैंने पढ़ाया ना आपको अभी तक कॉम्पोनेट सारे मिलेंगे यार तो ये जो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें सारी चीजें हैं। तो इसका मेनली जो काम होता है ना जो इसका मेनली काम होता है वो सपोर्ट में होता है ये सपोर्ट करता है इट सपोर्ट द इपिथीलियम तो जो हमने इपिथीलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू बनाया था वो कौन था वो एरियोलर था पैकिंग करेगा यही है जो सबसे ज्यादा पैकेजिंग में लगा रहता है पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन्स जैसे मान लो मसल है मसल के अराउंड इसकी कवरिंग होएगी फाइन यूरेटरस के अराउंड इसकी कवरिंग होगी अरे आपके गट में भी इसकी एक लेयर है सो so यूजली ये ऐसी चीजों में मिलता है तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है इफ यू कैन सी हेयर इसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है बेटा फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है मैक्रोफेज प्रेजेंट है जिनको हिस्टियोसाइट कहते हैं कोलेजन फाइबर है मास्ट सेल भी हैं ठीक है मास्ट सेल दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे इनके ऊपर ग्रेन्यूल्स में मास सेल के ऊपर देखो बिकॉज ये बेजोफिल की तरह होते हैं सो हियर यू विल सी ऑलमोस्ट एवरी थिंग फाइन तो ये सारे आपको हर तरह की फाइबर एवरी फाइबर एवरी सेल विल बी प्रेजेंट हियर सो हम लिख देते हैं एवरी सेल एंड फाइबर प्रेजेंट एंड फाइबर प्रेजेंट सो वॉट इज द लोकेशन वेयर डू यू फाइंड इट कहां पर मिलता है ये वॉट इज द लोकेशन इट इज प्रेजेंट बिनीथ द स्किन स्किन के नीचे मिलता है दूसरा ये स्किन को स्किन को मसल से भी कनेक्ट करता है और स्किन का दूसरा नाम है इंटेग्यूमेंट क्या नाम है इंटेग्यूमेंट इट कनेक्ट स्किन विथ मसल्स अभी मैंने बताया ये मसल की कवरिंग पे भी होता है सिमिलरली ये नर्वस की पैकेजिंग भी करता है सो इट पैक्स और इट प्रेजेंट एज अ कवरिंग एज अ कवरिंग और लेर कहा मसल में नर्व में इवन गट में गट में जो सब म्यूकोजा होती है बेटा म्यूकोजा में जो लेमिना प्रोप्रिया होती है ये लेयर्स हैं उसकी आपको मैं पढ़ाऊंगी डाइजेशन में वो सारी में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है तो ये था बेटा आपका पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो करे थे एक एरियोलर करा था एक एडिपोस करा था तो ये आपका है बेटा एरियोलर अब आपको यहाँ पर ये सेल्स दिख रहे हैं दिख रहे हैं ना एडिपोस सेल्स हैं चलो इनके बारे में पढ़ते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा दैट इज टिश्यू सो एडिपोस के नाम से क्या याद आता है दैट इट कंटेन्स फैट एंड फैट किसके अंदर होता है फैट सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं एडिपोसाइट्स राइट अगर कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट इन योर बॉडी इज इट ऑलवेज यूजलेस क्या फैट हमेशा यूजलेस है क्या इतने नफरत के काबिल है फैट जितना उसको दी जाती है नहीं यार नहीं तो फैट क्या क्या काम करता है आज जान लो सबसे पहले शॉक एब्सॉर्बन का काम अगर कोई मुक्का मुक्का मार दे तो ये बचाएगा कुशन की तरह काम करता है सर्दियों का सीजन आ गया आ गया ना तो फैट ठंड नहीं लगने देता इट एज इंसुलेटर इट एक्टेज इंसुलेटर ये कैसे इंसुलेटर है बेटा ये क्या करता है ये आपके बॉडी कवरिंग बना देता है जैसे कह लो ना एक रजाई की कवरिंग रजाई समझते हो तो जब आपके बॉडी के अंदर प्रोसेस चलते हैं हीट बनती है तो वो रजाई हीट को बाहर नहीं जाने देती अंदर ही रखती है तो उससे अंदर बॉडी गर्म रहती है राइट और इसको बर्न करके एनर्जी भी मिलती है सो so एनर्जी रिजर्व एज वेल एनर्जी रिजर्व की तरह भी ये काम करता है बट ये फैट मिलता कहाँ है एग्जैक्ट लोकेशन क्या है एक तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जहां था वहां पर प्रेजेंट थे सेल्स, थे ना प्रेजेंट तो वो कहाँ पर प्रेजेंट था एरियोलर आपके स्किन के नीचे तो ये भी स्किन के नीचे कहते हैं ना चमड़ी चमड़ी के नीचे तो इट इज आल्सो प्रेजेंट बीनीत स्किन सिंस ये शॉक एब्सॉर्बेशन का काम करता है तो नेचर ने ना हमें हमारी मेजर जो वाइटल ऑर्गन इंपॉर्टेंट है उनके राउंड कवरिंग दे दी फैट की कि चलो वहां पर प्रोटेक्शन चाहिए जैसे आपके आई बॉल्स के अराउंड आपकी किडनी के अराउंड सो ये इट कवर्स और प्रेजेंट अराउंड प्रेजेंट अराउंड दाइटल ऑर्गन वाइटल ऑर्गन्स लाइक लाइक वॉट लाइक योर आईज किडनी और क्या करता है यह डिपोज और कहां पर मिलता है और कहा मिलता है ये मिलता है आपकी येलो बोन मैरो में येलो बोन मैरो में ठीक है और ये बेटा जो आपका ये फैट है ये तो हम ये तो हमारी बात थी इसके अलावा ये ब्लबर की तरह आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मैमल्स जो आपके ठंडे पानी में रहते हैं लाइक योर वेल उनमें भी मिलता है या फिर जो बहुत ठंडी कंडीशन में जैसे उनमें भी मिलता है सो ब्लब इन वेल एंड पोलोबियर क्योंकि वो बेचारे बहुत ठंड में रहते हैं ना यार है वो मैमल और मैमल्स क्या होते हैं ब्लडेड हैंचर है हमारी तरह ही तो है अब हमें जाके वहां अंटार्कटिका या आर्कटिक में बिठा दो ऐसे कहाँ मिलता है ये आर्कटिक में मिलता है ना पॉलर बियर हम तो ठंडे मर जाएंगे यार तो हमें तो चाहिए ना मोटे मोटे कपड़े तो नेचर ने उनको मोटे मोटे कपड़े फिक्स दे दिए वो है फैट की लेयर मोटी सारी ब्लबर राइट right? तो ये आपका एक एडिपोज सेल है आप देख सकते हैं इसमें इतना बड़ा फैट ड्रॉपलेट है ये क्या बेटा इसमें इतना बड़ा फैट ड्रॉपलेट ओके okay? और ये है इसमें न्यूक्लियस एंड दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यूजुअली ये अगर मैं स्किन की बात करूँ स्किन में आपका कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी है एडिपोज भी है हाउ इज इट पॉसिबल सारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में ऐसी चीजें वैसे ही प्रेजेंट है जैसे होती हैं बस एडिशनली इसमें क्लस्टर में बहुत सारे एडिपोज सेल्स मिलेंगे तभी उनको टिश्यू बोलते हैं बिकॉज सेम ऑरिजिन है सेम फंक्शन है सिमिलरली लुकिंग है और क्लस्टर ऑफ सेल्स है इसीलिए उसको एक अलग टिश्यू बोल दिया गया फाइन अगर मैं आपके फैट की बात करूं अगर मैं फैट की बात करूं तो आपका फैट दो तरह का होता है कितने तरह का होता है द फैट इज ऑफ टू टाइप द येलो और वाइट येलो और वाइट और दूसरा है ब्राउन फैट ब्राउन मुंडे है ना जस्ट लाइक दैट तो ब्राउन फैट बच्चों में होता है इन फैट में नवजात शिशु ठीक है जो एक साल तक का बच्चा, हो, बच्चा होता है एंड वाइट हमें मिलता है हमारे में अडल्टो में. आपका ब्राउन फैट होता है वो बच्चों को क्यों देते हैं बिकॉज इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है ये एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है सो इट हैज मोर माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्रोड्यूस प्रोड्यूस मोर एनर्जी राइट और वो एनर्जी किसके लिए यूज करते हैं हीट प्रोडक्शन ताकि बच्चे को ठंड ना लगे टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए ठीक है वेअर एस हम बड़े हो चुके हैं और हमें जो फैट है वो है वाइट फैट इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया कम होता है और एनर्जी प्रोडक्शन भी कम होती है राइट लेस एनर्जी फाइन बेटा ये जो ब्राउन फैट है इसको ब्राउन क्यों कहते हैं देर इज अ रीजन इसका कलर ब्राउन है कलर क्या है बेटा ब्राउन क्यों क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट है तो आयरन उसको क्या देता है भूरा रंग देता है ब्राउन देता है एक और डिफरेंस जैसे आपका वाइट फैट है मैंने कहा कि फैट शॉक एब्सॉर्बेशन करता है इंसुलेटर की तरह काम करता है और दूसरा ये इंसुलेटर या इंसुलेशन का काम करता है और तीसरा मैंने आपको बोला कि वो एनर्जी का रिसोर्स है ठीक है हमारे बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो एनर्जी मिलती है जब कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं होता तो फैट टूटता है और एनर्जी मिलती है पर वो कौन सा फैट होता है हमेशा येलो या व्हाइट फैट ब्राउन फैट कभी भी ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए ए टाइप्स ये हीट प्रोड्यूस करता है ठीक है बट अगर सब्स्टिट्यूट ऑफ फूड की बात करूं फूड क्या करता है फूड टूटता है एनर्जी देता है आपको एटीपी बनती है उससे बॉडी मेटाबॉलिज्म चलता है तो वो वाला काम आपका वाइट करता है ब्राउन फैट इज इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फूड राइट नेक्स्ट अनदर थिंग थोड़ी सी यू नो नॉलेज के लिए क्या हमारा फैट क्या हमारा फैट फैट की डिपोजिशन को कंट्रोल कर सकता है अगर मैं बोलूं कि मेरे अंदर फैट है और वो कंट्रोल कर रहा है uh, मेरे अंदर कितना फैट डिपॉजिट होगा कहां होगा आप यस क्योंकि वहां से एक हॉर्मोन भी बनता है दैट इज लेप्टिन लेप्टिन इज अ हार्मोन दैट दैट रेगुलेट दी ट दैट डिपोजिशन दैट डेपोजिशन हमारी बॉडी में कितना फैट आएगा कहा आएगा कैसे जाएगा तो एक हॉर्मोन कंट्रोल करता है और ये फैट टिश्यूज ही बनाते हैं जिसका नाम है लेप्टिन सो so, याद रखना ये ठीक है इंटरेस्टिंग चीज बताइए मैंने लेप्टिन ये हॉर्मोन है जो फैट ही बनाते हैं वो फैट ही रेगुलेट करते हैं ऑल राइट right, बेटा मूविंग फॉर द टू दी नेक्स्ट इशू अब लूज कर लिया हमने लूज में हर चीजें लूजली पैक थी अब हम करेंगे dense. Dense में आपको भी पता है, घना जंगल है ये. तो the fibers, so is, में बेटा हमने दो चीजें करी थी एक करा था रेगुलर दूसरा इरेगुलर देर इज नो मच डिफरेंस बट द डिफरेंस इज रेगुलर में जो फाइबर्स हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है दे आर पैरलर प्रेजेंट कह लेना कहते हैं ना कि एक अलमीरा है जिसमें कपड़े एक के बाद एक स्टैक करे गए हैं और एक अलमीरा जिसमें ऐसे फेंके हुए हैं जिसमें स्टैक करे गए हैं वो रेगुलर वाली है जिसमें ऐसे ही फेंके हुए हैं वो इरेगुलर वाली है सो रेगुलर so, वाले में क्या होता है द फाइबर्स आर अरे इन अगुलर पैटर्न रेगुलर पैटर्न सो ये फाइबर्स इसमें जो है वो एक रेगुलर मैनर में प्रेजेंट है ये हमें रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहां पर मिलता है इसकी लोकेशन क्या है बेटा वेयर डू यू फाइंड इट यू फाइंड इट इन टेंडन एंड लिगामेंट ये टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं बेटा ये एक ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये एक ऐसे कनेक्टिव टिश्यू है जो चीजों को जोड़ते हैं वैसे भी कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता ही है तो ये किस चीज को जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे द टेंडन इट जॉइंट मसल टू बोन एंड लिगामेंट जॉइंट बोन टू बोन जब भी आपका दो हड्डियों का जॉइंट बनता है मान लो मेरा ये वाला जॉइंट है ठीक है तो ये फ्रीली क्यों मूव कर रहा है क्योंकि यहां पर लिगामेंट प्रेजेंट है आपने सुना होगा ना कोई गिर गया यार उसका लिगामेंट टूट गया सुना होगा मांस फट गया सुना होगा तो ये वही चीज है तो ये दो दो हड्डियों को क्या करता है बेटा ये दो हड्डियों को ज्वाइन करता है सो लिगामेंट ज्वाइन बोन टू बोन इसको कैसे याद करोगे एल बी बी एल बी बी ठीक है लिगामेंट ज्वाइन बोन टू बोन दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा या बबली याद कर लेना बबली बबली में बी बी एल है ना तो बोन टू बोन लिगामेंट ये भी इजी है ठीक है जो आपको पसंद आप, वो चूज कर लो अगला है इरेग्युलर अब ये इरेगुलर का क्या फंडा है यार जो इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू है आपका ये भी एक डेंस है इसमें द फाइबर्स आर अरेन्ज इरेगुलरली द फाइबर्स आर अरेज इरेगुलरली ये कहाँ मिलता है बेटा ये भी स्किन में मिलता है ये भी स्किन में मिलता है ठीक तो है तो स्किन में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो इट दिस वन इज प्रेजेंट इन द स्किन अगर सबक्यूटेनियस की बात कर रही हूँ मैं तो वो वो होती है लेयर जो आपके एपिडर्मस के नीचे वाली होती है सो so, ये वाला रिवॉलर वाला ये सब आपको वहाँ पर मिलते हैं फाइन ओके सो ये था बेटा आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइज वन तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में बेटा हमने दो पढ़े थे एक स्केलेटल एंडोस्केलेटन या सपोर्टिव और दूसरा क्या पढ़ा था हमने दूसरा पढ़ा था फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू तो अभी हम जो कनेक्टिव टिश्यू शुरू करेंगे ये वाला ये कौन सी कैटेगरी में आता है ये आता है स्केलेटल और एंडोस्केलेटन या इसको और क्या कहते हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो सपोर्टिव ठीक है इसमें दो पड़े थे एक कार्टिलेज एक बोन सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कार्टिलेज राइट तो कार्टिलेज कैसा कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट एंड प्लायबल मतलब एकदम सॉफ्ट है और तोड़ मरोड़ सकते हो सबसे पहले ये कहां पे मिलता है आपके टिप ऑफ नोज यहाँ पे देखो हाथ लगा के कुछ हार्ड है पर वो इतना भी हार्ड नहीं बोन की तरह की वो हिले ना पर वो हिल सकता है ऐसे ऐसे लाइक ये कान मरोड़ते थे ना पहले टीचर आजकल तो कहाँ मरोड़ सकते हैं हम राइट तो ये जो कान मुड़ रहे हैं ये कार्टिलेज की वजह से है आपके फाइन और जैसे कि मैंने बताया जो कार्टिलेज है उसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है तो तभी जब ईयर प्यरसिंग करते हैं तो क्या खून निकलता है क्यों क्योंकि इसमें बहुत कम या फिर एबसेंट ब्लड सप्लाई है फाइन तो बेटा ये बहुत सॉफ्ट है फ्लाइए है और अगर आप बात करो कार्टिलेज uh, की तो इसमें भी वही कुछ होगा कनेक्टिव टिश्यू है एक मैट्रिक्स होगी उसमें सेल्स होंगे तो अगर मैं यहाँ पर सेल्स की बात करूँ अगर कार्टिलेज में सेल्स की बात करूँ तो हमारे पास क्या क्या सेल्स हैं एक सेल है बेटा कॉन्ड्रो और एक सेल है कॉन्ड्रो साइट तो जहां पर भी वर्ड कॉन्ड्रो आ जाए जहां पर भी वर्ड कॉन्ड्रो आ जाए याद रखना इज़ रिलेटेड विद कार्टिलेज। ऐसे सेल हैं जो आपके थोड़े नए बच्चे सेल हैं इमेचोर सेल हैं। ब्लास्ट वर्ड हम ब्लास्ट वर्ड इमेचोर के लिए यूज करते हैं साइट हमे चोर के यूज करते हैं तो ये वो सेल हैं जो अभी इमेच्योर हैं और वो मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे वेयर ये क्या है दे दे सपोर्ट एंड फॉर्म द द आर पार्ट ऑफ से बन गए हैं और ये वहीं पर बैठे हैं एंड दे आर अ पार्ट ऑफ मेट्रिक राइट अगर यहां पर देखो यहां पर आपको सेल दिख रहे होंगे ये कौन से सेल ने बेटा ये कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज के सेल ये जो सेल हैं आपके ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में पर मैट्रिक्स में फ्लुइड फिल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है ठीक है या कह लो इन सेल्स के अराउंड बेटा इन सेल्स के अराउंड आपको क्या मिलेगा इन सेल्स के अराउंड आपको कुछ स्पेसेस मिलेंगी यहाँ पर ऐसे राइट right? इन्हें हम कहते हैं लैक्यूने इन स्पेसेस को बच्चे हम क्या कहते हैं इन स्पेसेस को हम कहते हैं लैक्यूने सो व्हाट आर लैक्यूने द लैक्यूने आर लैक्यूने फ्लूड फिल स्पेस फिल्ड स्पेस जिसमें आपके सेल प्रेजेंट है ऑल्सो यू कैन सी द कोलेजन फाइबर्स वाई आर दे हेयर बिकॉज दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ वॉट डू दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ जैसे बाकियों में मैट्रिक्स है इसमें भी ये मैट्रिक्स है है ना मैट्रिक्स और इनकी मैट्रिक्स में एक स्पेशलाइज प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन सो मैट्रिक्स कंटेन मैट्रिक्स कंटेन कौन सा प्रुटीन? प्रुटीन? Right? अगर मैं के की बात कार्टिलेज यस वी डू बेटा हमारे पास अलग अलग किस्म के कार्टिलेज हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज जैसे एक है हमारे पास हाईलीन कार्टिलेज राइट right? एक है बेटा हमारे पास एक है बेटा हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज, और एक है हमारे पास कैल्सीफाइड फाइन जो हाइलीन कार्टिलेज है वो एक ग्लास की तरह होता है क्लियर होता है पर ग्लास जैसे फ्रेजाइल होता है ये भी फ्रेजाइल होता है सो इट्स लाइक अ ग्लास क्लियर एंड राइट सो वेयर डू यू फाइंड सो वेयर डू यू फाइंड द हाइलिन कार्टिलेज सबसे पहले आपके नेजल सेप्टम में होता है दो जो आपके ये चेम्बर्स है नेजल चेंबर नाक में इनके बीच में एक दीवार है नहीं हड्डी दिख रही है तो ये जो हड्डी है ये नेजल सेप्टम ये जो आपको हड्डी जैसी लग रही है इसके नीचे देखोगे तो एक आपको दीवार दिखेगी अंदर की तरफ है जो तो वो एक कार्टिलेज की बनी है जिसे हम कहते हैं हाई कार्टिलेज इसके अलावा बेटा आपको लैरिंग्स में भी ये मिलेगा लैरिंग्स इज योर वॉइस बॉक्स जिससे मैं अभी बोल रही हूँ तुम्हें पढ़ा रही हूँ ऑल्सो इन दर्टिक्यूलर कार्टिलेज आर्टिक्यूलर कहां होता है मेरी ये दो बोन है एक तो इसको लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है एक इनके बीच में कार्टिलेज भी है मेरे जॉइंट्स में सो so, ये जो जॉइंट्स है ना ये जॉइंट्स है इसमें आर्टिक्यूलर कार्टिलेज होता है तो ये कहां होता है बेटा जॉइंट्स में राइट right? और कॉस्टल कार्टिलेज ये कहाँ पे होता है बेटा रिब्स में होता है ये रिब्स में होता है तो हर जगह पर आप देख सकते हो ए एल ए एल ए एल ए एल है तो जहां जहां ए एल होगा हाइलिन में भी ए एल है है ना इधर ए एल इधर ए एल इधर ए एल इधर भी वो सारा हाइलिन वाला कार्टिलेज है सिंपल फिर आता है फाइब्रस फाइब्रस में बेटा वी हैव टू कैटेगरीज एक है वाइट फाइब्रस और एक है येलो इलास्टिक इनके नाम से पता लग रहा है व्हाइट कलर की फाइबर कौन सी थी व्हाइट कलर की फाइबर कौन सी थी व्हाइट कलर की फाइबर थी आपकी कॉलेजन सो दैट मीन्स इसमें कौन सी फाइबर होगी कॉलेजन फाइबर्स इसमें कौन सी फाइबर होगी इलास्टिक फाइबर होगी दिस वन वाइट वन वेयर डू यू फाइंड इट इन इंटर डिस्टर वटिब्रल एंड प्यूबिक सिंफाइसिस एंड प्यूबिक सिंफाइसिस नाउ व्हाट आर दीज टू डिफिकल्ट टर्म्स विच आर एक्चुअली बेटा वटिब्रल कॉलम पता है आपकी रीढ़ की हड्डी

और टिप ऑफ नोज टिप ऑफ नोज राइट एपीग्लॉटिस मिलेगा जो कैल्सिफाइड है ये हम में नहीं होता ये फ्रॉग में होता है ये क्या होता है बेटा जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो थोड़ा लेटर ऑन स्टेजेस पे जाके कैल्सिफाइड हो जाता है उसमें कैल्शियम लग जाता है तो वो कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहलाता है सो दिस इज अबाउट योर कार्टिलेज एंड कार्टिलेज का ऑब्वियसली काम क्या होगा इट विल प्रोवाइड सपोर्ट क्या प्रोवाइड करेगा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऑल राइट नेक्स्ट बेटा वू वी हैड्डी जैसे बेटा आपका जो कार्टिलेज था सॉफ्ट था प्लाइए था क्योंकि इसमें कैल्शियम के सॉल्ट है तो इट विल बी हार्ड एंड नॉन प्लाएबल हार्ड एंड नॉन प्लाएबल बिकॉज इट हैज कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन मेट्रिक्स ठीक है क्या कौन से होते हैं इसमें सबसे ज्यादा कौन सा सॉल्ट है कैल्शियम उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट पर सबसे ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम फॉस्फेट ही मिलेगा जैसे वहां पर कॉन्ड्रिन प्रोटीन था मैट्रिक्स में इसमें क्या होगा ऑसिन प्रोटीन। सो so, ऑसिन प्रोटीन प्रेजेंट राइट ऑसिन प्रोटीन प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, फाइन बेटा? तो अगर बोन की बात करें ये कार्टिलेज के कंपैरिजन में हार्ड है नॉन प्लाइबल है क्योंकि इसमें कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं और इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज ऑसिन प्रोटीन अब बात करते हैं हम यहां पर सेल्स की राइट right? अब यहां पर क्या क्या सेल्स प्रेजेंट है क्या-क्या सेल्स प्रेजेंट है व्हाट आर दी सेल्स प्रेजेंट इन योर बोन जैसे हम जैसे हम कोंड्रोवर्ड यूज करते हैं कार्टिलेज के लिए वैसे हम बोन के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑस्टियो क्या वर्ड यूज करते हैं ऑस्टियो वर्ड यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या-क्या सेल्स -क्या हैं तीन तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं सो व्हाट आर दी सेल्स वी हैव ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट आर इमैच्योर वन ऑस्टियो साइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट ये सारे सेल प्रेजेंट है ठीक है ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट एट द इमेचर वन दे विल सिक्रीट मैट्रिक्स दे फॉर्म एंड सपोर्ट मैट्रिक्स वेयर एज क्लास्ट क्लास्ट की बात करते हैं क्लास्ट करेंगे ब्लास्ट ये बेटा बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं अब आप बोलोगे यार बोन क्यों डिस्ट्रॉय करनी है बेटा जब भी आपकी बोन ग्रो करती है तो कुछ ना कुछ टिश्यू को तो तोड़ना होता है या कोई ऐसी पार्ट जो आपको तोड़ने ही तोड़ने हैं खराब हो चुके हैं तो एक कह लो ना फेगोसिटिक सेल की तरह ये ऑस्टियोक्लास्ट काम करते हैं ये बहुत सारे मोनोसाइट को जोड़कर बनते हैं ठीक है अगर मैं बोन की शेप बनाऊं आप ने, सबने हड्डी देखी होगी एक लॉन्ग बोन है देखिए सबने ये हड्डी है हड्डी जो होती है बेटा ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है जैसे अगर बात करें ऊपर वाला पोर्शन इज एपीफाइसिस नेक वाला पोर्शन इट इज मेटाफाइसिस और जो ये शाफ्ट वाला पोर्शन है सेंटर वाला इट इज डायफाइसिस क्यों बता रही हूं क्या डिफरेंस है जो होता है और जो डायफाइसिस होता है उनमें हड्डी अलग किस्म की होती है कैसे इसमें जो बोन होगी ऊपर ऊपर बेटा इधर जो बोन होगी ये वाली ये एक स्पॉन्ज की तरह दिखेगी तो इस बोन का नाम है स्पॉन्जी बोन क्या नाम है स्पॉन्जी बोन क्योंकि ये स्पंज की तरह दिखती है वेयर एज ये स्पंज की तरह नहीं दिखती एकदम टाइट होती है तो ये इसमें जो बोन है डायफाइसिस में वो है कॉम्पैक्ट बोन तो आपने बचपन में सुना होगा कि द ब्लड जो हीमोपोइसिस होती है मतलब द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स वो आपके बोन के अंदर एक बोन मैरो होता है उसमें होती है सुना आपने सुना होगा यार ठीक है तो द द सिंथेसिस और दिंथसो ब्लड प्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस इन बोन मैरो बोन मैरो दो तरह की होती है एक रेड बोन मैरो एक येलो बोन मैरो मैंने आपको येलो बोन मैरो पहले बताई थी क्या होता है उसके अंदर उसके अंदर होता है फैट सो योर कॉम्पैक्ट बोन इट कंटेन्स येलो बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो इज नथिंग बट जस्ट फैट इसका कोई भी रोल नहीं होता आरबीसी uh, प्रोडक्शन या कोई भी ब्लड सेल प्रोडक्शन में ये बेसिकली तब प्रोडक्ट प्रोडक्शन करती है सेल्स का जब कोई एमरजेंसी कंडीशन हो नॉर्मली नहीं वेयर एज पॉन्जी बोन में होता है रेड बोन मैरो ठीक है तो अगर बेटा आपको कोई पूछे वॉट इज द साइट ऑफ हीमोपोसिस तो आप बोलोगे रेड बोन मैरो और अगर आपको कोई पूछे वॉट इज हिमोपोसिस फिर आप क्या बोलोगे इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स राइट वो कहां पर होती है रेड बोन मैरो में और रेड बोन मैरो कहां पर होती है आपकी हड्डी में होती है राइट right? क्लियर है बेटा सब ये तो यहाँ पर क्या-क्या सेल है ब्लास्ट साइट एंड क्लास्ट क्लास्ट करेंगे ब्लास्ट चलो अब बेटा इसमें देखते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये कैसे प्रेजेंट हैं जैसे हमने कोंड्रोसाइट करे थे कोंड्रोसाइट आपके लैकुने में प्रेजेंट थे फ्लूइड फिल स्पेस ऑस्टियोसाइट भी लैकुने में प्रेजेंट है तो याद रखना कि लैकुने प्रेजेंट ठीक है बट यहां पर ये जो सेल्स हैं, ये एक अरेंजमेंट में प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं लैमले क्या कहते हैं लैमले अब फर्क क्या है लैक्यूने तो तुमने वहां पर पढ़ लिए। होता क्या है बेटा आपके जो आपके जो ऑस्टियोसाइट होते हैं ऑस्टियोसाइट वो मान लो इस तरह से हैं, ठीक है ऑस्टियोसाइट के पास आर्म्स होती हैं लाइक दिस ठीक है लाइक like दिस आर्म्स होती हैं ये आम दूसरे ऑस्टियोसाइट से कहीं ना कहीं से जुड़ी होती हैं लाइक दिस तो एक ऑस्टियोसाइट की आम दूसरे से जुड़ी हुई है लाइक दिस ठीक है ऑल्सो दीज ऑस्टियोसाइट एज आव टोल्ड यू दे आर प्रेजेंट इन द्लूड फिल्ड स्पेसिस नोन एज लैक्यूने तो ये स्पेस में प्रेजेंट है स्पेस का नाम क्या है लैक्यू तो मैंने कहा दो ऑस्टियोसाइट ने आपस में आम से जुड़े हुए हैं तो वहां पर ये एक रिंग की फॉर्म में जुड़े होते हैं उस रिंग को लेमिले कहते हैं तो मान लो ये एक ऑस्टियोसाइट है ये दूसरा ये तीसरा देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ और ये सब आपस में अपनी आम से जुड़े हुए हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसे मैं बोलूंगी बेटा लैमिले क्या बोलूंगी लैमिले ये ऑस्टियोसाइट वन ऑस्टोसाइट टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इस अरेंजमेंट को कहते हैं लैमिले वेर एज लैक्यूने उसके अंदर की स्पेस होती है यहाँ पर आपको बहुत सारे लैमिले दिख रहे हैं और बहुत सारे लैमिले जुड़कर ये एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर ये एक कैनाल होती है और इस कैनाल का नाम क्या है हेवर्शियन कैनाल राइट right? और ये एक जो पूरा स्ट्रक्चर है इतना इसको मैं बोलती हूं ऑस्टियोन और हेवर्शियन सिस्टम ऑस्टियोन और हेवर्शियन सिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बोन तो ऑस्टियोन और हेवर्शियन सिस्टम क्या है बेटा ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपकी बोन का दो के नाल मान लो एक हेवर्शियन नाल यहां पर भी है ठीक है ये दोनों हेवर्शियन केनाल एक एडजेंट एडजेंट ये दो ऑस्टियन है दो ऑस्टियन की जो है, के नाल है एक केनाल से जुड़ी होती है जिसका नाम है वॉल्क्समैन केनाल वॉल्क्समैन केनाल राइट तो कहने का भाव ये बहुत सारे लैमिले ऐसे और भी होंगे ये ऐसे बहुत सारे लैमिले जुड़कर एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम क्या है बेटा ऑस्टियोन तो ये एक ऑस्टियन बन गया ठीक है इसके अंदर ये बिंदी से क्या है ये यह कैनाल जिसमें से ब्लड वेसल पास होती है क्या पास होती है ब्लड वेसल तो ये क्या है इसे क्या पास होता है बेटा ब्लड वेसल्स राइट एंड हेवर्शियन सिस्टम और ऑस्टियोन इज द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन ओके ये कौन से सेल बना के दिखाए थे मैम ने आपको ऑस्टियोसाइट और ये दो एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेसिस वट आर दीज प्रोसेस जिनको हम आर्म्स भी कह देते हैं फाइन और सब जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एक सिंगल जिसे लेमिले कहते हैं बहुत सारे लेमिले एक हेवरशियन के अराउंड स्कैटर्ड होते हैं और यहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं आपका पूरा हेवरशियन सिस्टम या फिर ऑस्टियन फाइन तो बेटा ये था आपका बोन नेक्स्ट है ब्लड राइट right? तो हम बात कर रहे हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा नाम बताऊं तो होता है इसे हम मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं मोबाइल जो इधर उधर मूव कर सके एक इंटरेस्टिंग बात फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू की क्या है इसका मैट्रिक्स फ्लूड है पानी जैसा है और दूसरा इसके मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं मिलेंगे सो हियर फाइबर्स आर एब्सेंट फाइबर्स आर एब्सेंट इन फ्लूड मैट्रिक्स इन फ्लूड मैट्रिक्स, राइट right? तो यहां पे हमने एक ब्लड करना है एक लिम्फ करना है जो आपका ब्लड होता है ये किसका बना होता है ब्लड बना होता है प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स का और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेटा क्या आते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स राइट right? और दूसरा है आपका लिम्फ जो पानी जैसा होता है वो प्लाज्मा होता है इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं बाकी ब्लड एंड लिम्फ विल बी डिस्कसिंग देम इन द बॉडी एंड सर्कुलेशन आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन इज चूज द करेक्टली मैच पेयर ऑप्शन ए इज टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बी इज एडिपोस डेंस कनेक्टिव टिश्यू सी इज एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू डी इज कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू तो इसमें आपको सही वाला बताना है जो करेक्टली मैच है जो आपका बेटा टेंडन होता है जो आपका टेंडन होता है दिस इज नॉट अ स्पेशाइज वन दिस इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज नॉट इट्स अ लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर इज यस अ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज इज अ स्पेश सपोर्टिव एंडोस्केलेटन टाइप सो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जस्ट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये नेक्स्ट द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द द द ह्यूमन एक्सटर्नल एंड इन टिप आर ऑफ कार्टिलेज लिगामेंट एरियोलर टिश्यू बोन जल्दी बताओ सिंपल है कान मरोड़ने वाला याद रखना मेरा टीचर कान मरोड़ती है ना वो क्यों मुड़ जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट एंड प्लायबल है एंड सॉफ्ट एंड प्लायबल कौन होता है हड्डी या कार्टिलेज कार्टिलेज सो लिगामेंट नहीं होगा राइट लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है एरियोलर स्किन में होता है बोन होती है यहां पर नाक में पर ये ये क्या बता रहा है बेटा नोस की टिप मतलब यहाँ तो दैट्स कार्टिलेज सो करेक्ट आंसर इज योर ए फाइन ओके नेक्स्ट एरियोलर टिश्यू जॉइंस इन टू मसल बोन टू मसल बोन टू बोन एंड फैट टू मसल यस क्या होना चाहिए यहाँ पे आपने एरियोलर में किया था ऑर्गन्स के राउंड होता है स्किन के नीचे होता है और ये स्किन को मसल से कनेक्ट करता है इंटेग्यूमेंट इज स्किन बोन टू बोन बोन टू मसल कौन कनेक्ट करता है टेंडन बोन टू बोन लिगामेंट एंड फैट टू मसल तो होता नहीं राइट फैट जस्ट उसके राउंड एक कवरिंग होती है सो देर इज नो लाइक अ कनेक्टिंग थिंग सो आंसर बना बेटा अगेन ए राइट ओके सो दिस वाज इट अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू आई होप दैट आप अच्छे से इसको पढ़ें रीड करें एनसीआरटी को लाइन से लाइन रीड करें एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगला टिश्यू पढ़ाऊंगी और उस टिश्यू से पहले ना इन दोनों को तो यार अच्छे से रीड कर लेना क्वेश्चन वेश्चन लगा देना नोट्स अच्छे से बनाना अगर जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं ना यार वो अच्छे बच्चे नहीं होते तो प्लीज हैव अ सेपरेट नोटबुक और उसमें आप इसके अच्छे से नोट्स बनाओ यू नो रिवाइज एवरीथिंग अगेन एंड अगेन एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द मस्कुलर टिश्यू बाय बाय